caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज सुमित भैया, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। उससे वो ये जब भी मैं अपनी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप पे आ जाएगी। सो आज मैं आपके लाया एक और नई कार्ड मैजिक ट्रिक। सो गाइज, पहले मैं आपको उसकी परफॉर्मेंस दूंगा और फिर उसका ट्यूटोरियल दूंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज है मेरे पे 20 कार्ड जिसमें कि 10 रेड हैं और 10 ब्लैक हैं। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये कार्ड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो मैं जो ब्लैक कार्ड्स हैं इनको मैं नीचे डाल दूंगा और अब इसमें से 10 कार्ड लूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 ब्लैक हो गए और 10 ये रेड हो गए। अब इनमें से मैं कोई भी एक कार्ड चूज करूँगा, जैसे कि मैंने कर लिया 9 ऑफ क्लब्स और इसमें से भी मैंने कर लिया 3 ऑफ हार्ट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, रेड के साथ रेड है और ब्लैक के साथ ब्लैक है। अब देखिए, ये ब्लैक कार्ड्स को हम उल्टा करेंगे और रेड कार्ड्स को भी हम उल्टा करेंगे। सो अब देखिए, ब्लैक के साथ ब्लैक है और रेड के साथ रेड है। ये देखिए, अब आप कहेंगे ये तो सेम ही आ रहे हैं सारे। अब अगर मैं इन कार्ड्स को रेड वाले इधर और ब्लैक वाले के इधर पोजिशन अगर मैं चेंज कर दूंगा, फिर भी अब जारू देखिए, ये देखिए रेड के साथ रेड, ब्लैक के साथ ब्लैक। ये देखिए, अब अगर मैं फिर से अगर मैं डेक भी चेंज कर दूंगा फिर भी सेम ही आएंगे। ये देखिए, सो गाइस, अब मैं आपको दूंगा इसका ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 20 कार्ड्स की ज़रूरत है, जिसमें कि आपको 10 ब्लैक कार्ड्स लेने हैं और 10 कोई भी रेड कार्ड्स लेने हैं। सो पहले हम देख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो ये कार्ड्स आपने ले लिए हैं और इसके बाद अब आपको इसमें जो आपने काउंट कराना है वो ऐसे करवाना है। देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो आपने रेड कार्ड्स काउंट कराने का वो ऐसे कराने हैं। देखिए, 1, 2, 3 और जब 3 के बाद आपको यहाँ पे पिंकी ब्रेक लगाना है गाइस। ये जो फिंगर है, छोटी वाली फिंगर, इससे आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना है। लेकिन वो ये ब्रेक जो है दूसरे वाले को दिखना नहीं चाहिए। तो उसके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे पिंकी ब्रेक लगाया हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रंट से नहीं पता लगता है, लेकिन अगर आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पे पता लग रहा है। और ये जो कार्ड्स हैं, ये ब्लैक कार्ड्स को आपने शो करना है कि आप सबसे नीचे डाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो ये कार्ड्स हैं ये इसके इन 3 कार्ड्स के ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए, आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये 10 कार्ड आपने गिनवा दिए। इसके बाद जो आपको कार्ड्स गिनवाने के, स्पेशली जब रेड वाले गिनवाओगे आप, तो उसको आपने ऐसे गिनवाना है 1, 2, 3। इसके बाद आपकी जो पिंकी फिंगर है ये यहाँ पे आप इसको स्टॉप करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पे आ गया है। और ये जो फिर ब्लैक कार्ड्स हैं आप इनको उसमें ऐसे करके डालेंगे, सामने से नहीं पता लगना चाहिए। ये देखिए, इसमें डालने के बाद ऐसे डाल देंगे। इसके बाद आप इसमें 10 कार्ड्स लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गाइस, इसमें आपको कार्ड्स उसमें यूं में नहीं करने हैं, आप कार्ड्स ऐसे में ही लेने हैं सारे, ठीक है। 10 कार्ड लेने के बाद आपको बिल्कुल इसको अच्छे से स्क्वायर करने के बाद इसको यहाँ पर रखना है और इसको फिर ऐसे रखना है। फिर आप बताएंगे कि 10 रेड कार्ड्स हैं ये और 10 ब्लैक कार्ड्स हैं और 10 रेड कार्ड्स हैं ये, जबकि एक्चुअल में जो इसके नीचे के कार्ड्स हैं वो 3 रेड हैं और इसके जो हैं वो ब्लैक कार्ड्स हैं। लेकिन अब आप इसमें से कोई भी कार्ड लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप जो उसमें कार्ड लेंगे वो उसमें आपने इसका 3 कार्ड के बाद का कार्ड लेने हैं। आप 4th कार्ड ले लीजिए इसमें से, जैसे कि 1, 2, 3, जैसे कि 4th कार्ड है 10, तो आप ये ले लीजिए इसमें से और जो 3 कार्ड हैं ये आपके नीचे आ जाएंगे बिल्कुल। इसके बाद आपको रेड में भी ऐसे ही करना है,
दो तीन, ये देखिए ठीक ये हो गया। इसके बाद गाइस हम इसको उल्टा कर देंगे। अब अगर हम देखेंगे सो सेम आ रहे हैं, रेड के ऊपर रेड, ब्लैक के ऊपर ब्लैक, ये देखिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तीन होने के बाद आपको ये रेड वाले कार्ड्स इधर करने हैं और ब्लैक के इधर करने हैं। इसके बाद आप ऐसे करेंगे, ये देखिए फिर तीन कार्ड हो चुके हैं। फिर इसके बाद आपको ये डेक भी इसको वापसी यहाँ पे लाना है, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।